गाइस गाइस ये जगह देखो सर, यहाँ पे क्या करते हैं? सर यहाँ पे क्या चलता है? ये जगह किस लिए यूज होता है? यहाँ पे क्या होता था? यहाँ पे जो राजा आते थे वो स्पेशल घोड़ा रहता था। स्पेशल घोड़ा, तो स्पेशल घोड़ा ऐसा दिखता था। यार ये गाड़े राजा का फेवरेट सॉन्ग था। ये घोड़ा ऐसे क्यों करते हैं सर? मेरे को अभी हर लाला मेरे को और एक चीज आ रहा दिमाग में भाई, और एक चीज मेरे दिमाग में आ रहा थोड़ी देर बाद ना। अभी 18:05 हो रहा है, मतलब बज रहे अभी 6:05, तो 6:06 में ना अभी एक देखो अचानक से इधर 6:06 में ना हर वक्त एक कार्यक्रम होता था। देख आ गया आवाज? हाँ आया ना घोड़ा का। 6:06 में ना इधर घोड़े का आवाज आता आ गया। हाँ ये घोड़ा इधर आया। ये क्या हो रहा है सर? घोड़े ऐसे क्यों कर रहे हैं? एंग्री हॉर्स हो गया जरा। एंग्री हॉर्स ए चल चल एक्सप्लोर मारते पटक से। इधर इधर पे जा सकते क्या? चल चला रे लाला, बोतल ले अपना उधर। भाई मैं चलती हूँ, दिखता पानी खत्म कर दिया। नोइस आराम से तो हमें जो भाई काठी को लो तो हमारे ढुकबे भाई। इधर और एक है सर, किधर है अपने एक्सपर्ट सर? ये इतना हिडन क्यों है? यहाँ पे भी एक है वैसा। मैं स्टोरी बताता हूँ तुमको। हाँ जल्दी आइए। बहुत साल पहले एक राजा रहता था जिसको घोड़े से बहुत प्यार था। बहुत ये बोतल राजा ने पी थी, लेकिन उसका घोड़ा बोला मेरे को भी ट्राई करना है, तो घोड़ा थोड़ा नशेड़ी हो गया था। उसके काफ़ी समय बाद घोड़ा बहुत नशेड़ी होगा, गांजा भी मानने लगा, गांजे के पत्ते खाता था, तम्बाकू बीड़ी सब चलता। बंगाली से मिला, बंगाली मिलने के बाद वो बीड़ी भी पीने लगा। समय बाद ये काफ़ी घटनाएं, ये घोड़ा जो है ये घोड़ा होते होते थोड़ा उसका घोड़ा हो गया, देखते हैं घोड़ा बड़ा हो गया। काफ़ी समय बाद ये जो यहाँ उसके काफ़ी सारे घोड़े की वाइफ रहती थी, 1, 2, 3, 4, 5 घोड़े को पूछा गया कि आपको चाहिए क्या कोई वाइफ? घोड़ा बोला घोड़े को काफ़ी 10 दिन पूछने के बाद घोड़े का एक ही रिप्लाई आया, एक ही मैंने अपने घोड़े का रिप्लाई आया था, यही रिप्लाई। सर यहाँ पे भी कुछ है? ये जो था ये जगह में दिखे थे, ये घोड़े का ना हैंगिंग आउट स्पॉट है, घोड़ा डेट लेके आता। अच्छा ये घोड़ा जब भी डेट लेके आता था अपना सामान सब रखता था, वो सामान इन सेंस वो मास्क वगैरह जो भी रहता था, तो सभी कोरोना नहीं था लेकिन मास्क रखता था घोड़ा। हाँ हमारा फीचर इस दिखता था, बिंदु जी के गाने सुनता था। चलते चलते ऐसे घर पत्ते बनते गए और घोड़ा से घर ऐसे टूटते गए। एक दिन एक मंकी मैन नाम का एक प्रजाति आता है, जो प्रजाति पूरे घोड़े के किरदार को नाश कर देता है। ऐसे ही करते एक घोड़ा इसी जगह अपने आखिरी सांस के बाद, यही वो जगह था जहाँ घोड़े ने ये एक बोतल पेशाब की थी, जो कि जो भी उसे रोज पीता है उसका मृत्यु तय रहता है। मंकी मैन को हराने के लिए एक ही चीज़ है, मेरा पेशाब। सर आप हवा में उड़ रहे हो, सर आप हवा में उड़ रहे हो। सर अब मंकी मैन का क्या होगा?
सर मंकी मैन बोल सकता है। सर मंकी मैन ने आपका हाथ तोड़ दिया। ऐसे ही उस दिन आखिरी सास घोड़े ने उसको मंकी मैन को प्रपोज किया था और घोड़े ने घोड़ों को मंकी मैन ने रिजेक्ट कर दिया था। यही कहानी है कि वो ब्रेकअप से मर गया, उसे की ब्रेकअप नहीं सुलझाई और मंकी मैन अपने राजा से शादी कर लिया क्योंकि घोड़ा उसका फेवरेट था। यही कहानी थी ये घोड़े और तबेले की। थैंक यू। सिंपल एज दैट। क्या वो पकड़ा हुआ है बाहर? पकड़ तो क्या पकड़ेगा आज क्या? सर क्या हुआ आपको? घोड़े को एक केरल की लड़की मिल गई। ये इसलिए नाचन नाच। भाई तीन तीन है इधर भाई, कितना कुछ हो रहेगा यार। भाई सोचना कितना कितना इंटरेस्टिंग चीज है यार। अपने इधर इतने पुराने चीजें अपन फुल इमेजिनेशन कर सकते कैसे हुआ था क्या हुआ था। और सोचना अपन देखना हिस्ट्री बुक्स पे पढ़ते थे कि ऐसा ऐसा होता है ये वो। अपन तो लाइव देख पाए भाई, कितने लकी अपन। ये कितना साल पुराना है? वो वो भी उससे पहले वेलकम बैक गाइस स्टोरी टाइम लेट्स गो। चलिए सर देखते हैं क्या होता है। तो गाइस ये उस टाइम की बात है जब ब्रिटिशर्स यहाँ रहा करते थे। ब्रिटिशर्स के पहले भी राजा रहते थे, तो राजा ने स्विमिंग पूल बनाया था, सीमेंट का स्विमिंग पूल। वो बीच में क्या है सर? यहाँ रानियाँ ऐसे करके रखती थी और अंदर ऐसा वाइन रहता था, पूरा वाइन का ये सब। वाह ये जो स्विमिंग पूल था यहाँ राजा की दो फेवरेट वाइफ रहती थी, एक इधर एक इधर। राजा बीच में वाइन नाइस और इधर से घोड़े देख रहा था राजा। घोड़े से वो दिख रही वो तो ओके चल देख किधर से जा रहा। ये जो है यहाँ टावल रखने का जगह था। इतना बड़ा? हाँ राजा का टावल बड़ा था ना। हाँ ये क्या जगह है सर? यहाँ राजा के कपड़े के वॉर्डरोब, ये वॉर्डरोब भाई
देख रहे हो गाइस, राजा का वार्डरोब था। ऐसे करते करते राजा काफी अमीर हो चुके थे। राजा का नाम था पीटरसन, वाइफ का नाम था सरसन। और ऐसे करते करते राजा काफी अमीर हो गया। अबे राजा चाइनीज था क्या? वो खुद भी रहते यार, पीटरसन था उसका नाम, चाइनीज में। अरे सरनेम उसका सन है, सन कुछ भी हो सकता है ना, अकसन बकसन कुछ भी हो। पूरा अपन घूम के आए ऐसा मस्त, आज मजा आया। और यही इतना ही था, इतना ही था जो था। बस हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, वहाँ से एंड किया। मैंने पूरा फुल गाइड दे दिया है। और ये जितना भी एरिया देख रहे हो ये पूरा राजा का किंगडम था। बस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। बाय।